दोस्तों ये है सिद्धार्थ विहार, देख सकते हो। ये नीचे से जा रही है इंडियन रेलवे और ऊपर से क्रॉस करेगी ये RRTS की रैपिड रेल दोस्तों। और नज़ारे देख सकते हो, कितना ही अद्भुत नज़ारा होगा यहाँ का। ये देखो, ये जा रही है इंडियन रेलवे और इसको क्रॉस करेगी RRTS। ये देखो, यहाँ से फिर इधर होते हुए और ये आ जाएगी गाज़ियाबाद RRTS स्टेशन पर। तो आपको वहीं लेके चल रहे हैं और वहाँ पर दिखाते हैं चल के अभी क्या क्या वर्क चल रहा है ये गाज़ियाबाद के स्टेशन पर RRTS के पे दोस्तों। तो आपको बता दूँ, देखो एक तो इधर ये इंडियन रेलवे को क्रॉस कर रही है ये RRTS और दूसरी ये क्रॉस कर रही है मेट्रो को, रेड लाइन को दोस्तों। देख सकते हो वो वहाँ पर, आप लोग देखो आगे। और वहीं पर आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ आज और आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है गाज़ियाबाद RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर देखने के लिए। और दोस्तों देख सकते हो कि कितना ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का। और ये है सिद्धार्थ विहार का फ्लाईओवर, ये देखो, ये सिद्धार्थ विहार का फ्लाईओवर है दोस्तों। उधर सिद्धार्थ विहार की ये बिल्डिंग से चमक रही हैं उस साइड में, देख सकते हो तस्वीरें। तो यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है, ये देख सकते हो। और इसका मैंने जब ये बन रहा था तब इसका वीडियो मैंने दिखाया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाज़ियाबाद का स्टेशन दोस्तों, चलिए। नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, कितना ही अद्भुत नज़ारा है। इसमें मेट्रो निकलेगी तो मेट्रो भी दिखाएंगे आप सभी को। देखो क्या सीन है यहाँ का, क्या नज़ारा है दोस्तों। और आपको बता दूँ, इधर ये राइट में हम चले जाएंगे सीधे दिलसाज गार्डन के लिए, मोहन नगर होते हुए दिलसाज गार्डन ये चली जाती है रेड लाइन मेट्रो। और इधर जाते हैं तो हम मेरठ के लिए चले जाएंगे ये राइट में बिल्कुल सीधे। अभी देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस टाइम पे इस RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। देखो कुछ ऐसा नज़ारा, और ये फ्लाईओवर को भी क्रॉस कर रही है, ये एक फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है, दूसरी ये रेड लाइन को क्रॉस कर रही है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, कुछ ये सीन है यहाँ का। ये है कुछ ऐसा गाज़ियाबाद का RRTS का स्टेशन दोस्तों। और आपको बता दो, इस पर रूफ टॉप बनाने का भी काम चल रहा है इस टाइम पे। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, ये रूफ टॉप बनाया जा रहा है। और रूफ टॉप बनाने के बाद में फिर इस पर ऊपर भी लाइनिंग की जा रही है, और इसमें सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इसकी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और उस साइड में देख सकते हो वो फूड प्लाजा के लिए बनाया जा रहा है पब्लिक के लिए, वो उधर फूड प्लाजा के लिए बनाया जा रहा है। और इधर आपको बता दूं कि इधर देख सकते हो, यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने के ये पिलर को स्टैंड कर दिया जा चुका है दोस्तों। इधर भी आपको बता दूं, देखो इसके अंदर भी बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इधर और इधर भी बनाया जाएगा इस रोड को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों। कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये नज़ारा है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को, आगे भी देख लो क्या सीन है यहाँ का। देखो कुछ ये सीन है यहाँ का, ये रेड लाइन है और इधर ये फ्लाईओवर है, और मेरे राइट हैंड पे है ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर गाइस। देख सकते हो ये पिलर बना दिए हैं, और पिलर का आपको बता दूँ इसमें कुछ पिलर बन गए हैं, उनके पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें,
ये सामने ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, इधर भी पियर कैप बनाए जाएंगे। देख सकते हो ये मिट्टी खोद दी इन्होंने, ब्लैक टॉप को तोड़ दिया, और इस साइड में देख सकते हो ये पियर कैप बनाने का अब काम चल रहा है गाइस। और उस साइड में देखो वो फूड प्लाजा बनाया जाएगा पब्लिक के लिए, देखो ये बनाए जा रहे हैं, और इस पर देखो इन पर पियर कैप का काम भी किया जा रहा है। ये पियर कैप बनाए जाएंगे, फिर इस पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा दोस्तों, ताकि इसमें स्टेशन पे एग्जिट और एंट्री हम ले सकें दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है अभी इस गाजियाबाद के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हो वो वहाँ पर टीम लगी हुई है, जो इसके सेफ्टी केबल हैं वो अंदर डाले जा रहे हैं, फिर इसके बाद में फ्लोरिंग कर दिया जाता है। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to set. जो गाजियाबाद का RRTS का स्टेशन है दोस्तों, इसमें 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने वाले हैं, तो 5 जगह से आप चढ़ सकते हैं। देख लो, एक तो मामाया स्टेडियम की साइड से चढ़ सकते हो, यानी कि सिद्धार्थ बिहार की साइड से, दूसरा ये मेरठ की साइड से, आपको दिखाते हैं आगे चल के। देखो सारा काम हो चुका है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग का काम था वो भी कर लिया जा चुका है, और आगे दिखाते हैं चल के आपको। देखो ये आगे हम दूसरी साइड में, इधर भी आ गए हैं और इधर भी आ चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते भी हैं। देख सकते हो दोस्तों ये चल रहा है यहाँ पर, ये देखो तीसरा और चौथा ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम ये यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। देखो ये पिलर का फाउंडेशन बना दिया इन्होंने, और ऊपर के कंक्रीट भर के फिर इसको जोड़ा जाएगा। देख सकते हो किस तरीके से ये बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये नज़ारे हैं यहाँ के। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। देख सकते हो इधर भी ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है, और सनरूफ का काम किया जा रहा है, जो रूफ टॉप बनाने का काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, देखो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। इधर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का वर्क चल रहा है दोस्तों। ये देखो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पर, देखो ये लगे हुए हैं यहाँ पर बरकर। तो आप लोगों को दिखाते हैं चल के आगे से, बस यही सीन है यहाँ का। देखो वो बना रहे हैं किस तरीके से दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार है। देख सकते हैं आप लोग क्या भाई सब डिज़ाइन है, वाह वाह वाह। चलो आपको घुमा के दिखाते हैं, और ये सामने है रेड लाइन का स्टेशन, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन दोस्तों, ये सामने वाला। तो इसी से भी जोड़ा जाएगा, ये कनेक्ट किया जाएगा। देखो यहाँ से ये घूम गए हम, और घूमने के बाद में आपको इधर से भी दिखा देते हैं कि इधर क्या कुछ काम चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया जा रहा है यहाँ का इस गाजियाबाद के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें, तो अभी तो सबसे ज़्यादा काम यहीं पे है, इसमें बहुत सारा काम है अभी करने के लिए इसके अंदर दोस्तों, तो वो भी किया जा रहा है। देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये गाजियाबाद का RRTS का स्टेशन, इसमें जो रूफ टॉप बनाने का काम है वो इधर बचा हुआ है, और इधर ये आप बना रहे हैं, आपको बता दो फूड कोर्ट, ये फूड कोर्ट के लिए बनाया गया है, जो पब्लिक यहाँ से आएगी जाएगी उसके लिए फूड कोर्ट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये बना दिया इन्होंने, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर ये गाजियाबाद के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, जो बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देख सकते हो हैवी हैवी ये क्रेन मशीनें अब उतार ली जा चुकी हैं दोस्तों,
कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। यहाँ पर ये लिफ्ट भी लगाई जानी है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। देखो वो फ्लोरिंग के लिए काम किया जा रहा है इस फूड कोर्ट के अंदर दोस्तों, और अभी इधर भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाना है गाइस। देखो ये पिलर कुछ इस तरीके से ये भरे जा रहे हैं और इन पर पियर कैप का काम भी किया जा रहा है जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा दोस्तों। तो यही सीन था यहाँ का। आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। देख सकते हो इधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाना इस साइड में, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देखो कुछ ऐसा बना रहे हैं यहाँ पर। देखो जहाँ से हम घुसे थे वहीं पर आ गए हैं, अब दोबारा भी चलते हैं दोस्तों, दिखा देते हैं एक बार आपको। देखो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर ये काम। देखो ये आ चुके हैं हम दोबारा। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो चलते हैं गुलढर की स्टेशन की साइड में, फिर आपको दिखाते हैं चल के दोस्तों। ये राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। पहले फ्लाईओवर ये नहीं हुआ करता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था, तो इस वजह से ये फ्लाईओवर बनाया गया है दोस्तों। तो अगर सीधे सीधे जाते तो गुलढर का RRTS का स्टेशन आ जाएगा, राइट में जाते तो हापड़ चुंगी आ जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।